तो कैसे हो दोस्तों। आज बात करेंगे एक साल ब्रह्मचर्य पालन से दिमाग कितना ज़्यादा तेज़ होगा, किस हद तक माइंड पावर बढ़ेगा और इसके फ़ायदे क्या होंगे आपको। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सालों तक वीर नाश के बाद हमारे दिमाग पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। छोटी उम्र से ही हमें हिलाने की आदत हो जाती है, अपनी बाल उम्र से ही गलत आदतों में फंस जाते हैं और उसकी वजह होती है हमारी समझ। हमें समझ इतनी नहीं होती और ना ही हमारी बुद्धि का विकास होता है, बस जो समझ आता है उस वक्त वो ही करते हैं और तभी कुछ ऐसा होता है, हम मास्टरबेशन के एडिक्शन में फंस जाते हैं, या तो किसी दोस्त के कहने पर या फिर कुछ गलत देखने पर, और तब से ही हम फंस जाते हैं इस बुरे एडिक्शन में और सालों तक वीर नाश करने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारे दिमाग का विकास नहीं होता और दिमाग तब से ही कमज़ोर होने लगता है, जिसकी वजह से पढ़ाई में भी मन नहीं लगता और ना किसी काम में लगता है, बस गलत काम ही करते हैं क्योंकि उस वक्त कोई बताने या समझाने वाला भी नहीं होता। पर जब समझ में आता है तब बहुत देर हो जाती है। पर अब घबराने वाली बात नहीं है, हमने जो कुछ भी खोया है वीर नाश की वजह से हम वो सब वापस पा सकते हैं ब्रह्मचर्य पालन से। इसमें बहुत शक्ति होती है और बहुत सारे फायदे भी मिलते हैं। बात करें दिमाग की तो इससे सबसे ज़्यादा फायदा दिमाग को होता है। दिमाग को बहुत सारे फायदे मिलते हैं ब्रह्मचर्य पालन से। दिमाग की खोई हुई शक्ति वापस आ जाती है वीर रक्षा से, और एक साल ब्रह्मचर्य पालन से दिमाग का पूरी तरह विकास हो जाता है। बात करें फायदे की तो नंबर एक, बहुत एक्टिव और तेज़ दिमाग हो जाता है आपका। नंबर दो, आलस और सुस्तपन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। नंबर तीन, सोचने और समझने की शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ती है। नंबर चार, फोकस माइंड हो जाता है बहुत ज़्यादा आपका। नंबर पाँच, टेंशन बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। नंबर छः, बहुत शांत दिमाग हो जाता है आपका। नंबर सात, रात में नींद भी अच्छी आती है। नंबर आठ, आपका दिमाग पूरी तरह काबू में रहता है आपके। नंबर नौ, क्रिएटिव माइंड हो जाता है आपका। नंबर दस, आप 10% से ज़्यादा इस्तेमाल करते हो अपने दिमाग का, क्योंकि नॉर्मली एक इंसान दिमाग का सिर्फ 10% ही यूज़ करता है, पर आप उससे ज़्यादा यूज़ कर पाओगे अपने दिमाग का और कुछ नया कर पाओगे इस दुनिया के लिए। और भी असीम शक्तियाँ महसूस होंगी आपको आपके दिमाग में, बस आपको पूरे विश्वास के साथ डिसिप्लिन में रहकर ब्रह्मचर्य पालन करना है बिना किसी भेदभाव के, क्योंकि ब्रह्मचर्य ही जीवन है। तो भाई अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो भाई लाइक करना इस वीडियो को, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को, और भाई अगर मेरे चैनल पर नया है तो भाई सब्सक्राइब करना मत भूलना, और जो घंटे का आइकन दिख रहा है उस पर भी क्लिक कर देना ताकि मेरे जो भी वीडियो अपलोड हो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अगर भाई किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो मुझे बताना मत भूलना, और भाई मुझसे अगर पर्सनली बात करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है भाई, इंस्टाग्राम पे फॉलो मारो, वहाँ मुझसे आप पर्सनली बात कर सकते हो। तो मिलते हैं अगली बार, धन्यवाद।